बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, जस्ट आपने सिंपलीफाई करते जाना है क्वेश्चंस को, आंसर अपने आप निकलते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस इन सिंपल फॉर्म। पार्ट सेकंड में हमें दिया गया है, 3 बाहर है, 162 अंदर गया है। 162 के हमने ले लिए बच्चों फैक्टर्स, और फैक्टर्स को लिख दिया अंडर रूट में, ठीक है। अब यहाँ ये देखें, 2, 3 की पावर हमने लिख दी 2, इसी तरह से इन की पावर भी लिख दी 2। ये जो पावरें थी अंडर रूट से कैंसिल हुई, और ये 3, 3 कहाँ चले गए? बाहर। यहाँ आ गए 3, 3, 3, ये कितने हो गए? 27 हो गए, और ये 2 जो था वैसा का वैसा आ गया, और ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब ये देखें, 4 पार्ट में क्या है, 5 पावर है। यहाँ पर कितनी पावर थी? 2 पावर थी। यहाँ कितनी पावर है? 5। सो जिनकी पावर 5 होगी वो बाहर जाएंगे, यहाँ जिनकी पावर थी 2 वो बाहर गए थे, यहाँ वो फैक्टर जैसे कि ये 2 निकला, अभी इसको करेंगे सॉल्व, वो बाहर जाएंगे, ठीक हो गया। ये देखिए 96 के हमने फैक्टर्स बना लिए, ये फैक्टर्स आ गए जनाब। 2 की पावर कितनी आ गई? 5, और ये 3 हो गया, ये वाला 3, और एक्स की पावर कितनी? 5 और 6 पावर है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। अब इनको भी हम करते हैं रिजॉल्व। ये देखें, एक्स की पावर 5 और एक्स, और y की पावर 5, y की 2, z की 5, z की 3, ठीक है। अब 1, 2, 3 एंड 4, ये जो 4 फैक्टर हैं जिनकी पावर 5 है, इनको हम बाहर ले जाएंगे, ये बाहर आ गए। बाकी ये जो बचे थे हमारे पास 3x, y की 2 और z की 3, ये कहाँ रह जाएंगे? अंदर, ठीक है। इनके ऊपर फिर हम अंडर रूट डाल देंगे पावर 5 के साथ, और ये हमारा आ गया आंसर, है ना बच्चों? कितना सिंपल है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर 18 के हम लेंगे फैक्टर्स, ये 18 के फैक्टर्स आ गए, और इनको हमने ऐड कर दिया अंदर, ठीक है, इनको पुट किया अंदर। अब देखें, ये इसकी अंडर रूट, इसकी अंडर रूट, इसकी अंडर रूट, अरे बाबा इतनी सारी अंडर रूट, इनको हम करेंगे एक में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख देंगे। अब देखें यहाँ पर क्या क्या कटता है, ये देखें 3 कट गया इससे, 2 कट गया इससे, क्या बच गया? जस्ट 3 बच गया। ओ ये तो हमारा है आंसर। आगे चलते हैं, पार्ट नंबर 5 में हमें देखें, ये 3 हमें वैल्यूज़ दी गई हैं। यहाँ हम देखें, ये मज़ीद फैक्टराइज होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, ये तो होता है ना, 7, 3, 21, ठीक हो गया। अब इन सब को यहाँ भी देखें, 3, 3 अंडर रूट लगा रखें, अरे भैया इसको सिंपल करें, 1 अंडर रूट लगा दें, ठीक है। 1 अंडर रूट आ गई, देखें अब इनकी पावर 2 लिख सकते हैं, इसकी पावर भी हम 2 लिख दिए। अब पावर अंडर रूट से कैंसिल होगी, ये बाहर आ जाएंगे, और आंसर आ गया हमारा 21। दिस इज़ हमारा आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है हमारे पास। देखिए यहाँ भी फैक्टर्स बन सकते हैं, यहाँ भी बन सकते हैं, यहाँ नहीं बन सकते, इसको वैसे ही रहने देंगे। यह हमने फैक्टर बनाए 9, 5, 45, यह हमने फैक्टर बना दिए 4, 5, 20, ठीक हो गया। अब क्या करना है हमने, ये देखें इसके मजीद फैक्टर बन सकते हैं ना, 3, 3, 9, सो इसका स्केयर आ जाएगा। इसके मजीद फैक्टर बन सकते हैं 2, 2, 4, सो यहाँ 2 का फैक्टर आ गया। अब ये देखें, ये पावर जो होगी जब इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये बाहर चले जाएंगे, ये बाहर आ गए, ठीक हो गया। ये 3, 2, 6 हो गए, यहाँ पर ये 3, 5 आ गए, ये वैसे की वैसी आ गए, ठीक है। अब देखें यहाँ से कॉमन आते हैं हमारे पास अंडर रूट 5, ये कॉमन आ गया हमारे पास, ठीक है। अंदर क्या बच गया? 3 माइनस 6 और 4, इनको देखें 3 और 4 कितना हो गया? 7। 7 में से 6 को हमने माइनस किया, कितना बच गया? 1, 1 यहाँ आ गया, और ये 5 अंडर रूट यहाँ पर आ गया। दिस इज़ आवर आंसर। पार्ट नंबर 4, ये एक एक्सप्रेशन दी गई हमें, इसको सॉल्व करते हैं। ये हमने वैसे की वैसे लिख दी, 5 हमने कॉमन ले लिया, 6 माइनस 3 कर दिया, 3 बच गया, और ये आ गया हमारे पास 3 और अंडर रूट 5 आ गया, ठीक है। 3, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 6 हो गया, सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई। पार्ट 1 में हमें देखें 2 वैल्यूज़ दी गई हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले की मदद से। देखें पहले में प्लस है पहली वैल्यू में, और दूसरी वैल्यू में है माइनस, तो ये किसके बराबर होगी? फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू का स्केयर। सिंपल, हम फर्स्ट वैल्यू का स्केयर लेंगे, सेकंड वैल्यू का स्केयर लेंगे माइनस। अच्छा 9 बच गया, यहाँ 3 बच गया, 6 हमारा आंसर आ गया। 4 पार्ट में चलते हैं, ये देखें ये भी वही चीज़ है, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर लिया माइनस सेकेंड वैल्यू का स्केयर लिया हमने, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हुए, एचसीएफ लिया, 3 आ गया, 3, 2, 6 हो गया, माइनस 1 हो गया, 5/3 आंसर आ गया। अब यहाँ पर आ जाए, ये देखें आप, अगर आप जल्दी जल्दी देखेंगे तो कहेंगे यहाँ पर अप्लाई नहीं होता, अगर गौर से देखेंगे तो यही फार्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा, ठीक है। एक फार्मूले से इस क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट हल हो जाएंगे। ये देखें
फर्स्ट वैल्यू यहाँ देखें प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, इसमें अप्लाई कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर आ गया और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। अब इनके स्क्वायर जब हम अंडर रूट से कैंसिल करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी एक्स माइनस वाई। अब क्या करेंगे, अब फिर अप्लाई करेंगे यही फार्मूला। देखें एक दफ़ा प्लस में आ रही है, एक दफ़ा माइनस में आ रही है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब फिर अप्लाई करेंगे, देखें यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, ठीक है। फिर अप्लाई किया हमने, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लिया माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर लिया, स्क्वायर खोल लिए, पावर फोर होगी, यहाँ भी पावर वाई की फोर होगी। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये थी एक्सरसाइज 4.3। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।